सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इंस्पिरेशन आर्ट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जैपनीज स्टाइल फ्लावर्स। सो इस पेंटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हैंडमेड पेपर और यहाँ पर वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन आर्टिस्ट वाटर कलर। तो यहाँ पर हम जो फ्लावर्स बना रहे हैं, यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं वो जैपनीज स्टाइल है, और जो प्रोसेस है वो शायद वहाँ पर कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी द फ्लावर्स यू मेक विल लुक लाइक जैपनीज वाटर कलर फ्लावर्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बेस कोट दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर वर्मिलियन कलर और ओके येलो कलर का थोड़ा मिक्सचर है। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, छोटे ब्रश का यूज़ करके कुछ कलर पिक कर रहे हैं और कुछ जगहों पर पेटल्स के लिए थोड़ी इम्प्रेशंस बना रहे हैं, और उसी तरीके से हम इस पेंटिंग को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिंप्लिसिटी और कॉम्पोजिशन। जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन है, और वही एक जापनीज वाटर कलर पेंटिंग को, वाटर कलर फ्लावर्स को अपना लुक देती है, एक जापनीज लुक देती है। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक साइड को मेन रख रहा हूँ और दूसरे साइड से वो फ्लावर आ रही है, इस तरीके की हम कॉम्पोजिशन बना रहे हैं। तो ये जो फ्लावर का पेंटिंग है यहाँ पर, इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री फ्लावर्स में बनाऊंगा, और जो पहला है वो नीचे छोटा वाला मेन जो है ऊपर मिडिल में है, और ऊपर एक और फ्लावर होगा। तो इसी तरीके से हम जो फ्लावर में है सिंपल डिज़ाइन रख रहे हैं फ्लावर का, और यहाँ पर मिनिमल डिटेल्स के साथ हम बस एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक काफ़ी कामिंग और कूल लुक यहाँ पर हमें ये देता है। तो इसी तरीके से हम अपने जैपनीज फ्लावर्स को बना रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीन फ्लावर का कॉम्पोजिशन जैसे कर्व में है, उसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। और यहाँ पर जो ब्रशेस है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप नेचुरल हेयर ब्रशेस और अच्छे ब्रशेस का यूज़ करें, ताकि आपको रिजल्ट बेटर मिले। इसके बाद हम जो पत्ते हैं इसमें वो भी बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल इम्प्रेशंस में ही बनाएंगे, ब्रश के सिंपल स्ट्रोक्स का यूज़ करके ही बनाएंगे। हमें ज़्यादा डिटेल्डली पत्तों को नहीं बनाना है, ताकि ये हमारे जो फील है, जो एक सिंप्लीफाइड फील है, उससे कोई प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टोन दे रहे हैं, जो कि ओकर येलो, सैप ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर से एक टोन है। उसके बाद हम यहाँ पर डीप कलर का यूज़ करके और थोड़ा छोटा ब्रश का यूज़ करके यहाँ पर कुछ और डार्क टोन्स यहाँ पर ऐड कर दे रहे वेरिएशन के लिए। इसके बाद हम थोड़े बहुत इसमें पत्तों के जो स्लीव्स है और थोड़े बहुत उसके डिटेल्स को भी बनाएंगे, लेकिन वो काफ़ी रफली बनाएंगे, मतलब उतना अच्छे से एक एक पत्तों को पकड़ के हर एक डिटेल नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें अपना डिटेल बनाएंगे। तो ये सब मेन चीज़ जो है कि ये आप देख सकते हैं एक कॉम्पोजिशन को इसमें बना दिया विद द हेल्प ऑफ लीव्स, की सबको एक जॉइंट कर दिया, जो पत्तों को बनाने के बाद ये हमारे पूरे पेंटिंग को इसने जॉइंट कर दिया, और एक कंप्लीट पिक्चर में ये बन गई। तो आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं और उसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके विद सम सिंपल वॉशेस एंड टोन्स आप इस पेंटिंग को, आप इस तरीके की अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर का यूज़ करके येलो उसके बीच में जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं फ्लावर्स के, वो बना दिए। जैपनीज वाटर कलर पेंटिंग में काफ़ी टाइम ओपेक यूज़ होता है, और अंत में मैंने यहाँ पर जैपनीज में अपना नाम साइन करके अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर ली। तो एक और पेंटिंग देखते हैं दोस्तों, ताकि हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मेरा कोई भी स्केचबुक का फ्रंट पेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, तो फ्रंट पेज के लिए मैंने एक और येलो फ्लावर जैपनीज स्टाइल में बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एक येलो कलर से टोन दे दिया है, काफ़ी ब्राइट कलर का यूज़ किया, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और उसके बाद उस सेम कलर का थोड़ा सा वर्मिलियन के साथ मिक्स करके एक डार्कर टोन बनाया है, और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे इंप्रेशंस देने की कोशिश कर रहा हूँ पेटल्स की, ताकि ज़्यादा डिटेल ना हो। और ऑलमोस्ट भीगा ही है वो पेपर अभी तक, पूरी तरीके से वो पेपर सूखा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट लुक हमें मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सॉफ्ट लुक ला पाए अपने फ्लावर्स में, ज़्यादा हार्ड हो जाने से फिर वो अच्छा एक लुक नहीं आता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे पेटल्स और जो बीच के एरिया है जहाँ पर
जो उसके अंदर का पॉलन है वो दिखाई देगा। तो उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा वाइट लेके ब्लू के साथ मिक्स करके हल्का सा उसका जो बीच का एरिया है वो बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लीव्स बना देंगे। ये भी एसिमेट्रिकल एक कॉम्पोजिशन है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को स्प्रेड कर दे रहा हूँ थ्रू आउट और फिर इसके ऊपर मैं लीव्स के लिए कलर को स्प्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डार्क लीव्स बनाऊँगा ताकि हमारा जो मतलब जो येल्लो और डार्क लीव्स हम यहाँ पर मैच करें। ये काफ़ी टाइम हमें यूज़ देखने को मिलता है जापनीज फ्लावर्स में, तो इसी चीज़ का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाइनीज रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, एक काफ़ी अच्छा स्प्रेड मिलता है और एक काफ़ी सॉफ्ट भी मिलता है। इसके बाद मैंने ड्राई ब्रशिंग से ब्रांचेस भी थोड़ी बहुत बना दी ताकि एक अच्छा लुक मिल सके इसमें। उसके बाद फिर से मैं थोड़े बहुत डिटेल्स बना दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा मतलब पकड़ के उसको डिटेल को अच्छे से नहीं बनाना है, थोड़ा रफली और थोड़ा सा रैंडम रखना उसको ताकि एक नेचुरल लुक हमारे पेंटिंग में दे। तो इसी तरीके से हमारा पेंटिंग यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम इसको साइन कर देंगे और ये पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।